दोस्तों, आज मौसम बहुत सुहाना है। हम निकले हैं आज अपने मित्र के साथ प्रोजेक्ट उदय जेएन जबलपुर स्मार्ट सिटी LTD। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। होटल चांदनी, आप जानते हैं एक और चांदनी है, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे। बंगाली कार बाजार आ चुके हैं भैया। यदि आप जबलपुर से हैं तो गेस कीजिए, आपको पता होगा कहाँ आ चुके हैं। और यदि जबलपुर से नहीं है तो मैं आपको आगे चल के बता ही दूंगा। ये रॉयल स्टेज आ गए, यहाँ से आप वाइन्स वगैरह ले सकते हैं। और ये होटल सूर्या, यहाँ ठहर कर आप रात गुजारे। माइक नहीं लाए, और मजा यहाँ पे गाड़ियों की रिपेयरिंग हो रही है। यहाँ बेचते भी हैं, मॉडिफाइड करके गाड़ियाँ को बेच देते हैं। चलिए दोस्तों, आ गए हैं तीन पत्ती बस स्टैंड। यहाँ से दैनिक भास्कर आपको सामने दिख रहा है। दैनिक भास्कर बड़े ही सुंदर कदमों से आराम से मौज कर दी भैया। मौसम की बात मत कीजिए, मौसम तो बहुत ही सुहाना है। ठंडी ठंडी हवा, मानो प्रकृति की सारी सुंदरता का अनुभव अभी ले रहे हैं। टाइल्स वाला कहाँ है? टाइल्स वाला हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ अनुभव ले आए हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस होना था संस्था का, तो निकले थे मार्केट पे। और यहाँ पर थोड़ा सेल ओल लगी है, अब अंदर जाएंगे। भैया 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 हाथ दे के निकालो यार, लाइट वाइट दे दो। ये भैया थोड़ा पुलिस पार्किंग लगी हुई है, साइड चेंज करने। यहाँ थोड़ी भीड़ रहती है काफ़ी ज़्यादा, आज तो खैर कम। ये देखो सफर बैग हाउस, जूते की दुकान में आ गए। अरे भैया आ गए जूते की दुकान में आ गए। और भाई का जूता फट गया था, तो सोच रहे थे जूता ले लेते, पर 250 की बजट नहीं है अभी। यहाँ से आप सस्ते कपड़े ले सकते हैं, मतलब एक दिन के लिए। यदि कहीं चलते काफ़ी हैं वैसे, आप जितना चला लें, पर सस्ते मिल जाएंगे। जो चीज़ आपको 700 में एक जोड़ी कपड़े, 400 में भी मिल जाएगा आपको। यहाँ से बेल्ट वेल्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सांची पार्लर, ये है समदड़िया मॉल। इसकी वीडियो तो आप मेरे चैनल पर देखे ही होंगे, और भी बनाए, पर यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। समदड़िया मॉल के अंदर की पूरी चीज़ें मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। ये स्वामी दयाल जय श्री कृष्णा द्वार, मैं ये नहीं समझ पाया कि जब यहीं आना था तो ये घुमा के लाने की ज़रूरत क्या थी। पर देखिए, ये भाई का वो है दिल दरिया है, जो आप सभी को दिखाना चाहता है। विजय भाई की सेल, भैया क्या बताएं, जबलपुर की मार्केट की तो बात ही कुछ और है। मालवी चौक, हाँ ये मालवी चौक का मार्केट बड़ा ही सुंदर सुहाना अनुभव देता है। यहाँ पर भीड़ इतनी लगी है भैया, झपट्टा मार रहे हैं कपड़े लेने के लिए। देखिए सड़क में ये सेल लगी हुई है आज, सेल चले पूछे। विजय भाई की सेल, विजय भाई की सेल, हाँ विजय भाई की सस्ते मिल रहे हैं आज। बात यह है इसलिए भीड़ लगी है। किरण सूज, ग्रोवर चैम्बर्स, यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ यदि शॉपिंग करना है तो मालवी चौक आकर आप किसी भी तरह की कोई भी चीज लेनी है मिल जाएगी आपको आसानी से। अभी थोड़े किताबों की दुकान दिखी, साहू न्यूज एजेंसी, शुभ मंगल कलेक्शन और कुमारपुरम, वैभव नेक्स्ट, महावीर इलेक्ट्रॉनिक्स, बाबूलाल कस्तूरचंद, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है। दुकान ही दुकान दिख रहे हैं। अभिषेक मोबाइल कुशवाहा, और इस साइड है आनंद डेयरी, खन्ना बुक्स डिपोर्ट, गोल्डन रेडियो एजेंसी। टाइल्स की दुकान, टाइल्स की दुकान ढूंढना था, पर पूरी मार्केट ढूंढ लिए अभी, अब टाइल्स की दुकान ढूंढना। मेंटेनेंस के दौरान पता नहीं क्या क्या लगवा देते हैं वैसे तो। सिलेक्शन, ये देखिए एक शॉप है सिलेक्शन। अब अंदर आए हैं मार्केट के गंजीपुरा,
गंजीपुरा मार्केट जहां लड़कियों के कपड़ों के मामले में फेमस है यह गंजीपुरा। लेकिन नाम से तो गंजीपुरा लड़कियों के कपड़ों से है, लेकिन यहां हर प्रकार की चीज़ें ब्रांड मिल जाएंगी आपको, गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक से संबंधित, फैन वगैरह। और दोस्त की दुकान सुभाष इलेक्ट्रॉनिक, ये अपने दोस्त की दुकान है भैया, ये सीजन कलेक्शन वाले अपने मित्र हैं, भैया कह रहे हैं, हमारे तो नहीं हैं लेकिन इनके हैं तो हमारे भी। कहते हैं ना दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो पूजा वेंटेक्स शोरूम के पास भी थोड़ा सा सेल लगा हुआ था बाजू में, यूपी डेट। और ये पता नहीं क्या खाते हैं, तलब मेरी आंखों में आ रही है इनकी खुशबू या बदबू कहें तो भाई को बुरा लग जाएगा, खुशबू आ रही है आंखों में नहीं नाकों में आती है वैसे तो आप अपने हिसाब से अनुभव कीजिएगा हमारे शब्दों का। अरे भैया ये देखिए लाडगंज काफी फेमस है, लाडगंज थाना यहाँ। अब यहाँ से पूरी मार्केट ही है, यही मेन मार्केट है जबलपुर का, समझ लीजिए। यहाँ से आपको जहाँ से मालवी चौक से लेकर आए हैं लाडगंज, लाडगंज से होते हुए गंजीपुरा, गंजीपुरा और ये नरगहिया, ये सब बड़ा फुहारा और क्या कहते हैं उसको मिलौनीगंज, ये सारे मार्केट जबलपुर में बेहद फेमस हैं और सबसे बड़े मार्केट भी कहलाते हैं। यहाँ पहुँच चुके हैं सात फेरे, यहाँ लीजिए शादी का आनंद, सात फेरे लीजिए। यहाँ मुबारक टेलर्स के पास सात फेरों के कपड़े सिलाए जाते हैं, रूपम वस्त्रालय और किरण साड़ी शोरूम अभी तो फिलहाल बंद है। अभी साइड दिख रहा है लक्ष्मी विडर, रानी साहिबा, चप्पलों की दुकान, सामने से आ रही है गाड़ी, ये बिकाऊ नहीं है। बिन्नी शोरूम, रुई वाले सरफराज भैया जी की कंपनी है। बेल्ट क्या चाहिए आपको, यहाँ क्या चाहिए बताइए ना, क्या चाहिए आकार। अब देखिए इन मार्केटों की तो बात ही कुछ ऐसी है। आ गए भैया, आ गए अपने सपनों की नगरी बड़ा फुहारा, सपनों की नगरी और मुस्कुराहट का बादशाह इसी नगरी में रहते हैं कहने के लिए, अब जानते तो नहीं है। यहाँ पर थोड़ी बांसों के छन्नी उन्नी रखे हैं, सुपर छन्नी। यहाँ पर चावल का काम करना है तो चावल ओवल बनाना है तो ले लो भैया, सेव संतरा भी मिल रहे हैं। इधर माता जी की, ओ सॉरी दुल्हन की कपड़े हैं, माता जी के नहीं है, ये है माता जी के बाजू वाले, लेकिन वो जो थे दुल्हन के, दिगंबर किराना भैया, दिगंबर भैया की तो बात ही अलग है। यहाँ पर खंडेलवाल किराना कॉर्नर, बहुत ही बड़ा किराना का शोरूम खोले हुए हैं। अब थोड़ा अंदर जा रहे हैं लेकिन मुझे लगता है अंदर जाने का शायद कुछ मतलब निकले, इसीलिए तो अंदर जा रहे हैं। देखिए घूमने निकले हैं, अब शाम तक लौट जाएं बात अलग, सामान मिले ना मिले वो अलग बात, लेकिन लेकर तो जाला चाहिए, मिलेगा नहीं अनिवार्य है नहीं मिले बात अलग भैया। तो फैंसी साड़ी, जेपी ट्रेडर्स साड़ी और ये कुछ दुकानें बंद पड़ी हैं। आपको जबलपुर का मेन मार्केट घुमा दिए आज, समझ लीजिए आपने जबलपुर का आधा दृश्य तो देख लिया, क्योंकि लोग यहीं से शॉपिंग करने आते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं इसका हम, हाँ ये बात तो ठीक है हमको भी नहीं मालूम, शब्द कहने में बड़े आसान लगते हैं लेकिन हमें मालूम है, क्योंकि शोभा मार्केटिंग दिखी हमको प्रीति सो। और थोड़ा सा वेट 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 कीजिए दोस्तों, आगे मार्केट दिख रहा है लेकिन मार्केट पीछे रह गया, अभी घुमा के गाड़ी फिर से मार्केट जाएगा भाई, क्योंकि टाइल्स मिली नहीं है अभी कीति टेंट जनरेटर्स, अब यहाँ पे आपको टेंट भी मिलते हैं, खरीदने के लिए नहीं लगवाने के लिए। हाँ और केक वक तो दिखा ना, पैथोलॉजी है भैया, थोड़ा सा वॉशरूम की जांच, खून की जांच, ये सब चलते रहते हैं, शुगर उगर वगैरह यहाँ पे जांच चलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। आप छोटे थोड़े शॉप मिल रहे हैं छोटे छोटे, पूरी जबलपुर नगरी के दृश्य में हमको सबसे अच्छा मार्केट लगता है, सभी को लगता है, हमें बस को नहीं लगता है, भाई को भी लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मोहल्ले के बारे में, कैसा लग रहा है यहाँ का?
थोड़ी शांति सी लग रही है ना, लग रही कि नहीं? आप ऐसे पूछ रहे भैया, लग ही रही है, बस लग रही है ना। रानी ताल आ गए हैं। हाँ रानी ताल आ गए हैं, हमें पता था ना आपको रानी ताल आ गए। ये देखिए स्पोर्ट लोवर टी शर्ट, ये रानी ताल के चौगड्ढे में निकलने वाला बलदेव वाला बाग रोड से नहीं, ये उसके दमोनाका वाले बाजू से निकलेगा ये रास्ता। गलगला गलगला वाले से फ्लैग्स प्रिंटिंग केनरा बैंक आ गया है, तो समझ लीजिए रानी ताल भी आ गया है।